अरे कहाँ मर गई? चाय नहीं बनाई अभी तक? लाई। चैन कितनी अच्छी लग रही है ना, मेरे बेटे हर्ष पे कितनी अच्छी लगेगी। कहाँ मर गई थी? एक चाय बनाने में इतना टाइम लगता है तुझे? रख चाय यहाँ पे। मैं इस चैन को छू के देख सकती हूँ? पहली बात ये कि मैं तेरी मम्मी नहीं हूं। जाके झाड़ू पोछा कर और पोछा करने के बाद खाना बना लेना। जा यहां से, जा यहां से। मेरा बेटा आ गया। आजा बेटा, देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। ना मैं अपने बेटे को पिना देती हूँ। नहीं, मैं पहन लूंगा। मेरा बेटा कितना अच्छा लग रहा है इस चैन पे। तो बहुत अच्छा लग रहा है। माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जाऊँ, मैं उन्हें अपनी चैन दिखाऊंगा। जा बेटा। ठीक है माँ। महारानी ढंग से काम कर ले, तुझे पोछा नहीं लगाया जाता अच्छे से। कितनी गंदगी है वहां पे, घूर क्या रही है? कर काम। हाँ ठीक है, हाँ कल आ जाओ। हाँ एक बार ना मेरे को टाइम बता देना आने से पहले, या फिर मैं कॉल कर लूंगी तुम्हें एक बार। ठीक है, अभी ना मुझे भूख लगी है, मैं ना पहले खाना खा लूँ, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है, ओके बाय बाय। वंशिका खाना लेके आ। ओहो महारानी यहाँ बैठ के पढ़ रही हैं। खाना बनाया? नहीं माँ, वो कल मेरा एग्जाम है। तो तू अपने एग्जाम के चक्कर में मैं भूखा रखेगी? और तुझे कितनी बार बोला है मैंने, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, तेरी माँ मर गई। एक तो वैसे ही भूख लग रही है, खड़ी हो, चल खड़ी हो, खाना बना वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगी। खड़ी हो, खड़ा होकर ना खाना बनाए, रसोई में जाके भूख लगी है मुझे बहुत तेज। जा महारानी खाना बना। कॉफी नहीं आई अभी तक? आ रही होगी, एक मिनट रुको। वंशिका कॉफी लेके आ। नहीं, काम वाली रख ली क्या? अच्छा है, अच्छा है।
कितनी हॉट कॉफी बनाई है इसने। अरे रहने दो, हम जा रहे हैं बस। खाने के लिए तो भर भर के चाहिए। काम तो होता नहीं है। करा दी ना मेरी बेइज्जती मेरे दोस्तों के सामने। ये बेटा सलाद भी ले, ले को भी खा। जा खड़ी क्यों है? वो माँ रोटी खत्म हो गई और नहीं चाहिए, जा यहाँ से। माँ रोटी खत्म हो गई और आटा भी खत्म हो गया, मैं क्या खाऊं? पैदा होते अपनी माँ को खा गई तब भी पेट नहीं भरा तेरा, मुझे भी खा ले। जा यहाँ से बर्तन साफ कर। खड़ी खड़ी क्या देख रही है, जाना है यहाँ से। पैदा होते अपनी माँ को खा गई तब भी पेट नहीं भरा तेरा, मुझे भी खा ले। खाने के लिए तुझे भर भर के चाहिए, एक काम तो ढंग से होता नहीं है। मेरी स्कूल की फीस जमा नहीं है, मुझे कल एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। अच्छा है ना बैठने दे, तो कम से कम कुछ पैसे तो बचेंगे। और मैंने तुझे कितनी बार बोला है ना मैं तेरी माँ नहीं हूँ। ऐसे क्यों कहती हो माँ, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है मैंने तो कभी उनके बारे में भी नहीं सोचा, आपने ही मुझे पाला पोसा है। माँ तो माँ होती है और मैं हमेशा आपको ही अपनी माँ मानती हूँ। जब से होश संभाला है तब से आपको ही देखा है। मैं तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली, समझी? तू तो भिड़ा के चली जाएगी किसी और के घर, कोई जरूरत नहीं स्कूल जाने की, जाके झाड़ू पोछा कर घर में। बेटा हर्ष पानी ला दे एक गिलास। बेटा आ
बेटा बेटा ला दे पानी। मैं नहीं ला रहा, मैं गेम खेल रहा हूँ। बेटा एक गिलास पानी ला दे फिर खेल लेना आके। मैं नहीं, मैं गेम खेल रहा हूँ। बेटा सर दुबा दे, बहुत दर्द हो रहा है। शांत बैठ जाओ ना, खेलने में डिस्टर्ब हो रहा है मुझे, शांत भी नहीं बैठ सकती। बेटा बहुत दर्द हो रहा है। तो मैं क्या करूं? भगवान कौन से कर्मों की सजा दे रहा है मुझे? बेटा हर्ष ला दे। बेटा ने मना कराया ना, मैं नहीं ला रहा, मुझे गेम खेलने दो। हे भगवान। क्या हुआ माँ? माँ आपको तो बुखार है। मैं अभी आई एक मिनट में। आप रोइए मत, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। घबराओ मत ना, मैं हूँ ना। भगवान जी, भगवान जी प्लीज मेरी मम्मी को ठीक कर दो। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूंगी? मेरा तो उनके अलावा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। प्लीज भगवान जी ठीक कर दो मम्मी को। प्लीज मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं पढ़ूंगी भी नहीं। प्लीज भगवान जी मम्मी को ठीक कर दीजिए। प्लीज प्लीज भगवान जी। पैदा होते अपनी माँ को खा गई तब भी पेट नहीं भरा तेरा, मुझे भी खा ले। मैंने इसे कितने दुख दिए हैं, फिर भी इसे मेरी कितनी चिंता है। तू तो भगा के चली जाएगी किसी और के घर, कोई जरूरत नहीं स्कूल जाने की, जाके झाड़ू पोछा कर घर में। भगवान ऐसी बेटी सबको दे। आजा मेरी बच्ची। माँ ठीक हो गई? हाँ बेटा। आज के बाद मैं तुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी और अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगी।